नमस्कार, प्रस्तुत है मैथ्स फॉर ओलंपियाड सीरीज की 11वीं वीडियो। और इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिया है वो ये है, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो एंड बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी ए, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए इज। और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। हिंदी में कहें तो ये प्रश्न होगा, यदि ए बी सी तीन शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं जिनमें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तथा बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस सी ए का मान है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है 3 2 0 1। आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू आता है। एक आइडेंटिटी है, आपको याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। दैट इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी इसका तो जीरो है, तो यहां पर हम इसका वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहां हम सीधे जीरो पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा जीरो स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। जीरो स्क्वायर मीन्स जीरो, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो हम इसे चलिए इसको रिवर्स, राइट साइड वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में लिखते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इक्वल टू जीरो। दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, हम ये जो तीनों है ना प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, इसको हम राइट साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को हम ब्रैकेट में लेके इन दोनों को हम ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी, ये हो गया माइनस टू सी ए। दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर देख रहे हैं टू बी कॉमन है दोनों में, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू बी, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया ए माइनस सी,
या इसे हम माइनस को बाहर नहीं निकालते हैं, इसको रहने देते हैं अंदर ही। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बाद में पता चलेगा। तो ये 2 भी हमने यहां पर कॉमन निकाला, तो ये ब्रैकेट के अंदर रह गया माइनस ए माइनस सी, माइनस टू सी ए। अब देखिए ये पहले से दिया हुआ है, जो गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इससे हमको मिल जाता है बी इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। देखिए क्यों हमने माइनस यहां रखा था वो आपको पता चल गया होगा। तो दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू टू बी, और इसका वैल्यू हम यहां क्या रखेंगे, बी इंटू बी माइनस टू सी ए। दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर माइनस टू सी ए। दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहां 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो ये 2 हो गया कॉमन, बी स्क्वायर माइनस सी ए। अब हम क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस सी ए को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए इक्वल टू, यहां क्या बच गया है ये 2। देखिए जो हमें लाना था, जिसका वैल्यू निकालना था वो आ गया, ये आ गया हमारा आंसर 2। ये कौन सा बी नंबर है हमारा, बी नंबर जो ऑप्शन है 2, यही हमारा आंसर है। हमने ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा बना दिया है इसलिए कि आपको हर स्टेप समझ में आ जाए। आप कई स्टेप, कुछ स्टेप इसमें से आप स्किप करके भी इसे बना सकते हैं। थैंक यू।